आई एम डॉक्टर संजय पॉल, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पॉल्स क्लिनिक फॉर डायबिटीज, थायराइड, ओबिसिटी एंड फूड केयर, लोकेटेड एट बंजारा हिल्स रोड नंबर 1. एंड आई एम प्रैक्टिसिंग लास्ट 20 ईयर्स, फोकस मेनली ऑन डायबिटीज एंड थायराइड. देखिए, शुगर जब भी कोई भी पेशेंट को हम लोग मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, आइदर इट इज़ इंसुलिन और ऑयल ड्रग्स और कुछ भी हो, तो एक शंका हमेशा दिमाग में रहते हैं कि पेशेंट लो शुगर में हो जाए या हाई शुगर में है और शुगर फ्लक्चुएशन कर रहा है कि नहीं. तो हम लोग क्या करते हैं, वन टच मशीन बोलते हैं पेशेंट लोगों को. आजकल मार्केट में बहुत सारा वन टच मशीन है, तो यू हैव टू बाई द जेन्युइन वन टच मशीन, जिसको ग्लूकोमीटर बोलते हैं. एंड पेशेंट को बोलते हैं कि रेगुलर चेकअप करने के लिए एटलीस्ट वीकली 3 to 4 times, जिसको सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं. वन टच मशीन इज लाइक ए स्नैपशॉट्स. तो आजकल का ज़माने में बहुत सारा चीज़ आ चुका है, जैसे कि एम्बुलेटरी ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर और कंटिन्यूअस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर. इट इज़ लाइक ए वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑफ योर शुगर्स. जैसे कि एक बार एक शॉट में आप नहीं देखते, ऑलमोस्ट 288 रीडिंग्स रहेगा इन ए डे. कब शुगर बढ़ रहा है, कब शुगर कम हो रहा है, पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है, लो शुगर हो रहा है. कभी कभी कुछ पेशेंट को मालूम ही नहीं चलता है कब उनको हाई हो रहा है, लो हो रहा है, जिसको ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी बोलते हैं. ओके, पेशेंट तो टैबलेट लेके इंसुलिन लेके खुश रहते, चलो ले रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है. लेकिन ऐसा नहीं है कि फास्टिंग और प्रोस्पिंडल से पेशेंट खुश रहना है. ओके, और एचबीएनसी कम हो गया तो खुश रहना, ऐसा नहीं है. फ्लक्चुएशन देखना है, बिफोर लंच क्या हो रहा है, आफ्टर लंच क्या हो रहा है. और ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि एवरी टाइम 5 या 6 बार शुगर चेकअप करो ऑन ग्लूकोमीटर, ठीक है ना. सो बाई CGMS, कंटिन्यूअस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर, स्मॉल चिप रहता है इधर यहाँ पे या नहीं तो हाथ का यहाँ पे आर्म्स में, और 14 डेज का रीडिंग रहेगा जो एवरी डे आपको 288 वैल्यूज आपको बताएंगे, कब क्या हो रहा है, खाने से क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या हो रहा है, अगर आप इंटरमीडियंट फास्टिंग करते हो क्या होता है, मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है कि नहीं. तो पूरा चीज़ ग्लाइसेमिक जो वेरिएबिलिटी जो आपको फ्लक्चुएशन है वो आपको मालूम चलेगा. सो अकॉर्डिंगली आप आइदर पेशेंट मेडिसिन ले रहे, आइदर पेशेंट इंसुलिन ले रहे, आप डोज को टाइट्रेट कर सकते हो, आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना. ऐसा नहीं कि आप मेडिसिन ले लिया और चलते बने और इंसुलिन ले लिया चलते बने, ऐसा नहीं है. आजकल लेटेस्ट चीज भी बहुत ज़रूरी है पेशेंट लोगों को यूज़ करने के लिए, तो यूज़ करना चाहिए हर एक को. तो मालूम चलेगा शुगर आपका कौन सा लेवल पे क्या हो रहा है, लो हो रहा है, हाई हो रहा है, ये कौन सा वैल्यूज में ले रहा है. तो बहुत ज़रूरी है CGMS. तो ऑलमोस्ट जो पेशेंट ऑलमोस्ट अनकंट्रोल पेशेंट है, GDMN जेस्टेशनल डायबिटीज पेशेंट्स है, Type 1 है और Type 2 जो इंसुलिन रिक्वायरिंग स्टेज में है, जिसको शुगर फ्लक्चुएशन हो रहा है, सो आई सजेस्ट एवरीवन शुड गो फॉर यस कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम और एम्बुलेटरी ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर सिस्टम टू सी शुगर फ्लक्चुएट हो रहा है कि नहीं, सो दैट वी कैन एडजस्ट द इंसुलिन डोज और OHS डोज करेक्टली. थैंक यू. Hit TV app, all the success for their launch. Please download the app. Download the Hit TV app now. Please download the app now. Please download the app now. Please download the app now. Download the app now.